सरकारी निर्देशों के अनुरूप सेहत विभाग के सहयोग से 15 से 18 साल उम्र वर्ग के बच्चों के टीकाकरण अभियान के तहत सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ओर से टीकाकरण कैंप आयोजित किया गया। मिट्ठू बस्ती स्थित स्कूल में प्रिंसिपल श्रीमती दिवप्रीत कौर के नेतृत्व में आयोजित इस कैंप के दौरान सिविल अस्पताल जालंधर द्वारा लगभग 200 छात्रों को वैक्सीन लगाई गई। इस संबंधी और अधिक जानकारी देते हुए चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा ने बताया कि सिविल सर्जन की टीम की ओर से 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के लगभग 200 छात्रों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने कहा कि सेंट सोल्जर ग्रुप के 25 स्कूलों में टीकाकरण कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें स्कूलों के 70-80% छात्रों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि छात्रों में टीकाकरण को लेकर बहुत जागरूकता आ चुकी है, इसलिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए कोई नीति तैयार करनी चाहिए। उन्होंने सभी को मास्क पहनने, हाथों को बार बार साबुन से धोने या सैनिटाइज करने और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखने के लिए प्रेरित किया। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। मैं दिवप्रीत कौर, सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच के प्रिंसिपल। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप्स जो हैं वो जगह जगह पे स्टार्ट हो चुके हैं, तो सेंट सोल्जर मैनेजमेंट भी किसी भी तरह से अपने आप को पीछे नहीं रखती है। उनको भी सोसाइटी की सेहत का, बच्चों के सेहत का जो है वो पूरा पूरा ध्यान है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चोपड़ा मैम एंड चोपड़ा सर ने मिल करके जो है वो इस चीज़ का बीड़ा उठाया और सिविल हॉस्पिटल के साथ बातचीत करके वहाँ की नर्सेस आज यहाँ पर हमारे स्कूल में 15 साल से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कैंप जो है वो लगाया है। इस इनिशिएटिव के साथ हम इस बात पे जो है वो दृढ़ निश्चय कर रहे हैं, जैसे स्कूल जो है वो काफ़ी देर से बंद हो रखे हुए हैं और जैसे कि सरकार भी चाहती है कि स्कूल खुले, बच्चे पढ़े लिखें और आगे की तरफ बढ़े, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हमारी जो है वो स्कूल के जो है वो बच्चे यहाँ पे इंजेक्शन लगवाने के लिए आए हैं। अलग अलग नर्सेस सिविल हॉस्पिटल से यहाँ पर आई हैं, बच्चों को बकायदा यहाँ पर पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ मास्क पहनकर आना है, उन लोगों ने अपना आधार कार्ड लेके आना है, अपनी एज ग्रुप का प्रूफ लेके आना है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने बच्चों को यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को यहाँ पर इंजेक्शन के लिए बुलवाया है और इंजेक्शन लगने के बाद बच्चों को 10-15 मिनट यहाँ पर हम रुकवा कर भी रखते हैं ताकि हमें पता लगे कि बच्चे के ऊपर इंजेक्शन का जो है वो सही असर हो रहा है कि